देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में मुकदपुर इलाके के दो पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में जीतू नाम के एक पड़ोसी के घर में आग भी लग गई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल भलसवा डेयरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है। जिस घर में आग लगी थी, दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और जांच के बाद ही मामला साफ हो जाएगा कि आखिरकार आरोप प्रत्यारोप के बीच कौन सही और कौन गलत है। फिलहाल जिस घर में आग लगी, वो पक्ष दूसरे पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगा रहा है। आज ये हुआ, 3-4 दिन पहले झगड़ा हो गया, तो उसके बाद में फिर मेरे पति निकल के आ रहे थे, फिर गाली गलौज किया उसने, मतलब फिर इसको विक्की तोड़ दी, हमारी विक्की तोड़ दी, मतलब दोनों तरफ से हाथापाई हुई, दोनों तरफ से हाथापाई हो गया। फिर आज हमारे 3-4 दिन थे, हमारे बच्चे घर में बंद थे, हम भी बंद थे घर में, तो घर में बंद थे, उसी टाइम से क्या किया गया, लोगों ने हमारे पति निकालने को गए घर में से, तो अनिल के और महेश के हाथ में तमंचा था, दोनों के हाथ में, और हाँ, और पीछे से गोली चलाई, हमारे 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 ऊपर गोली चलाई। घर में आग कैसे लगी? घर में आग जब लगी, वहाँ से हम निकल के भागे, एकदम से भागे आए उधर से हम, और फिर पीछे से घर में ताला तोड़ के और घर में आग लगा दी हमारे मिला के। सर, परसों हम यहाँ पे घर के बाहर बैठे हुए थे और गली में गाय आई थी, तो छोटा वाला भाई गाय को रोटी देने गया था, इतने में उसके जीतू के तीनों चारों साले आए और ऊपर से हमला करना चालू कर दिया। मैंने ऊपर से आवाज़ सुनी और मैं भागा भागा आया, तो मेरे को भी मारना स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो और मम्मी के अभी 8 टा के ऊपर है, 8 टा के नीचे है। अच्छा। और छोटे वाले भाई के भी 5 टा के यहाँ पे और 5 सर में है। पुलिस इस मामले में दोनों ही परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी भी दोनों ही परिवार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भारत दर्पण टीवी के लिए हमारे संवाददाता अवधेश कुमार की एक खास रिपोर्ट। देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी।